हाँ दोस्तों, मैं हूँ निवास राय। यूट्यूब चैनल निवास राय में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शायद मेरे वीडियो का जो टॉपिक है वो आप पेड़ पौधे देखकर काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज मैं वेस्ट बंगाल में मैं ख़रीदी करने के लिए आया हूँ। सीजनल का ख़रीदी करना है, ठंड आ चुका है तो ठंड में बेचने के लिए ज़्यादातर फूलों का पौधा ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि फल का सीज़न बारिश में बिक्री होता है फल वाला पौधा। तो फूल का पौधा अभी ठंड के मौसम में ही बिक्री होता है, और ठंड में ही पौधा, जो पौधा आपको बारिश में बन नहीं पाया, जैसे गुलाब हो गया, कुछ दूसरा पौधा हो गया, कोई इंडोर हो गया, कोई आउटडोर हो गया, वो सब पौधा ज़्यादातर देखा जाता है कि ठंड के समय में ही हम लोग ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं, और उसी में ही अच्छा होते भी है। पौधा अपने आप अपने क्लाइमेट के हिसाब से खुद बनने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, मैं आया हूँ वेस्ट बंगाल में ख़रीदी करने के सिलसिले में। शायद आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का पौधा मैं देख रहा हूँ। ये सब इंडोर प्लांट है, सब अलग अलग से है, और इसका जो क्वालिटी है ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के ले जाऊँ। तो देखिए, सब अच्छे अच्छे प्लांट है। ये देखिए, येलो कलर का मिनी एक जोड़ा है। ये हालांकि इंडोर प्लांट नहीं है, गमले वाला आइटम है, तो इसको भी मैं लूँगा। अभी सिर्फ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पौधा, इसका ऐसा ऐसा नाम है ना, ये नाम याद रखना भी बहुत मुश्किल है। ये बहुत सुंदर लगता है, ये काफ़ी बड़े पत्ते में है ये, और ये पौधा इंडोर रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल हॉल के अंदर नहीं, हल्का सनलाइट तो चाहिए ही होता है सब पौधे को। तो ये जो भैया आया, ये रेट बोल रहा है और पौधे का नाम बोल रहा है। पौधा आप थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा नज़दीक कर रहा हूँ। इसका दूसरा वैरायटी है ये लाल कलर का। ये पौधा ज़्यादातर आप किसी ऑफिस दफ्तर में रखने से काफ़ी अच्छा सुंदर लगता है, आप अपने घर में भी रख सकते हैं शौक से। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको कुछ ऐसा पौधा का ज़रूरत है तो आप मेरे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं भी आपको ऑनलाइन भेजने का कोशिश करूँगा। अगर हमारे नज़दीक में है तो पार्सल में मैं भेज सकता हूँ। और अगर आप मेरे से कांटेक्ट नहीं करके आपके आजू बाजू कहीं नज़दीक में अगर है तो आप वहीं से भी जुगाड़ कर सकते हैं। अमेज़न से भी ये पौधा आप जुगाड़ कर सकते हैं। अमेज़न में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपको घर पहुँच कर ही अमेज़न के जो बंदे आते हैं वो आपके घर में पहुँचा देंगे। ये देखिए, कितने अलग अलग वैरायटी का फूल पौधा, अलग अलग डिज़ाइन का पत्ता, ये सब, मतलब ऐसा लगता है। ये देखिए, इतना सुंदर लाल कलर का पत्ता का है ये, लेकिन उसी ब्रीड का है ये, लेकिन ये लाल कलर में है। तो ये सब पौधा क्या है, वो काफ़ी महंगा है, ज़्यादा नहीं लेंगे। मैं आज मेरे साथ मेरे घर वाली भी आई है ख़रीदी करने के लिए। ये देखिए, एक नया पौधा, ये पौधा भी बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको उठा के ले जाऊँ, हमारे क्षेत्र में जाकर बेचेंगे, हमारे नर्सरी में इसको सेटिंग करेंगे। क्या है दोस्तों, हर पौधा हमारे नर्सरी में बनना पॉसिबल नहीं है, कुछ कुछ पौधा बाहर से ख़रीदना होता है। ये देखिए, वाइट कलर का है, ये होता है मूसंडा, ये मूसंडा वाइट कलर का है, ये लाल कलर का है, और ये कुछ दूसरा है। ये भैया बोल रहा है कि ये इंपोर्टेड है करके। तो ये पौधा भी बहुत सुंदर लग रहा है, सब इंडोर प्लांट है। हैंगिंग हैंगिंग प्लांट भी आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए, बहुत सारे हैंगिंग प्लांट है यहाँ लगा हुआ है। मैं और मेरे घर वाले दोनों घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, जो लेना है उसको छाट रहा हूँ। तो यहाँ के अंदर वाले जो सीन है ये हम दिखा दिए आप लोगों को, आगे चल के बाहर का जो पौधा लेना है उसको भी लेना है। ये एक शेड के नीचे है, ग्रीन शेड के नीचे मस्त बना के रखा है, यहीं से ले रहा हूँ। ये देखिए, कितना सुंदर प्यारा सा फूल, और एकदम गमला गुलदस्ता जैसा दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर ये सब पौधा चाहिए, ये देखिए कितना सुंदर फूल, एकदम मस्त, जो है ना ये बहुत सुंदर मोटा टाइप का है, और पीछे नीचे नीचे देख रहे हैं तो छोटे छोटे कली भी है। हाँ, ये देखिए, ये एक, इसको बोलते हैं कैक्टस। ये दो कलर में है, ऊपर में लाल नीचे में, ये एक्चुअली ग्राफ्टेड है। तो ये पौधा काफ़ी महंगा है, जितने पौधा आप देख रहे हैं ये 500 700 1000 रुपये, या थोक रुपये, थोक में बोल रहा है कि 500 700 रुपये एक एक पीस पड़ेगा। 200 250 से कम तो कोई पौधा दिखाई नहीं रहा है। तो ये कैक्टस है, बहुत सुंदर लग रहा है ये कैक्टस। और ये देखिए, लक्की बम्बू दिख रहा है ट्रे में आपका, जो रखा जाता है कुछ यहाँ, कुछ
मूर्ति टाइप का लगा के रखा है, मूर्ति है ये, आप शो के लिए लगा सकते हैं। अब बाहर आ चुकी है जो मधुकामिनी का प्लांट है, ये मस्त गोल टाइप का देख रहे हैं। आप भी इसी तरह कटिंग करके ऐसे बना सकते हैं। ये 19-19 साइज़ की, 21-21 साइज़ की पॉलीथीन में ये है। तो ये सब पॉलीथीन में तो आप लगाएंगे नहीं, आप शायद गमले में लगाएंगे। तो गमले में लगाने से इस टाइप का आप कटिंग करके ऐसा लगा सकते हैं। पौधे का नाम याद रखिएगा, मधुकामिनी, जिसमें वाइट कलर का फूल आता है, बहुत सुंदर। ये देखिए क्या एक डिज़ाइन बनाया है, लोहे का बनाया था वो। और ये देखिए यहाँ आ गया क्रोटन की वैरायटी, आगे गमले भी दिख रहा है। ये वेस्ट बंगाल का जो नर्सरी है ना, ये देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी ये है। ये देखिए वाइट कलर का ये है, गुलाब है, इसमें काटा नहीं होता ये गुलाब में। ये बहुत क्वांटिटी में फूल देते हैं ये, इसका जो क्वांटिटी रहता है ये एक पौधे में बहुत देते। ये सीजनल दिखा रहा है अभी। ये गेंदा का भी है, ये गेंदा थोड़ा मीडियम रेंज का है, इसमें फूल आ चुका है। ये उतना मतलब अभी आगे जाके फूल दे नहीं पाएंगे। ये जो दिख रहा है ये देखिए क्रोटन की वैरायटी, मस्त है। इसका करीब 40-45 रुपया इस टाइप का रेट मांग रहा है मेरे से। ये साइज़ का थोड़ा गमले में है तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा 80 रुपया मांग रहा है। अब हम चलेंगे दोस्तों इसके पास, गुड़हल के पास। ये देखिए गुड़हल का मस्त मस्त डिज़ाइन का है, एकदम हाइटलेस में पौधा, गमले में है। 180 रुपया मांग रहा है इसका रेट, एक पीस का थोक रेट। तो ये देखिए गुलाब है, हजारी गुलाब जिसको बोलते हैं, गुस्से में होते हैं बहुत बहुत एक साथ है। ठीक है, ये फिर से हम सफ़ेद गुलाब के पास आ चुके हैं दोस्तों। तो इस टाइप से के पौधा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप वेस्ट बंगाल में आ सकते हैं, खड़गपुर में मैं जैसे आया हूँ, आप भी जा सकते हैं वहाँ। तो शायद आप मेरे वीडियो देखकर आपको अच्छा लग रहा होगा, और इस तरह का अगर वीडियो आप आगे चल के देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए अभी आ गया कौरव पांडव, जो बेल नुमा जो पौधा होते हैं उसी पौधे के पास आ चुका हूँ हम लोग। ठीक है, ये देखिए कौरव पांडव, ये बेल टाइप का होता है, इसको कहीं चढ़ाना होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर एक एक फूल है, फूल के बीच का डिज़ाइन ही कुछ अलग है। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं, किसी इसको सहारा चाहिए, जैसे किसी बम्बू से कुछ बना के देना है, उसके ऊपर चढ़ाना है इसको। ये पेड़ में चढ़ाना नहीं है, ये पेड़ में अच्छा नहीं था, किसी बम्बू वम्बू का जो एक टेक्सचर बनाना है उस टेक्सचर के ऊपर इनको चढ़ा देना है दोस्तों। ये मार्केट में आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप ये इतना सुंदर जो पौधा है, पौधा एक जगह रखा हुआ है, ये देखने के लिए आपको खुद चलकर वहाँ जाना होगा। अगर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा सकूँ